डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को चाईबासा में जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही विरोध स्वरूप ट्रैक्टर को रस्सी से खींचते हुए शहर में भ्रमण किया। युवा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष दीनबंधु बोयपाई ने कहा कि मोदी सरकार से डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग करते हैं। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करते हुए लगातार विरोध जारी रखेंगे। आज का जो प्रदर्शन था वो यूथ कांग्रेस की तरफ से था, और जिस तरह से हमारे देश में लगभग ये लगातार 19वां दिन है लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, और ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा संभव हो पाया है जहाँ पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया है, और ये सब उसी राष्ट्रवादी सरकार के कारण कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो सारा चीज सस्ता होगा, तेल का दाम सस्ता होगा, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि जहाँ पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया है। कहीं ये राष्ट्रवादी सरकार है, कहीं ये लगता है कि ये जनता की सरकार है, तो मैं देश के नरेंद्र मोदी की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने आज देश जहाँ कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है, तो आपने इस देश के और लोगों को और दबाने का काम किया है, लोगों को और बोझ के तले और दबाने का काम किया है। इसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग परिवार के लोग इससे आज दबे हुए हैं, और सबसे ज्यादा आपने किसानों को चोट पहुंचाया है। किसानों को चोट इसलिए कि आज कोरोना वायरस के समय में जहां किसानों के जो दाम है, जो उनका अनाज का जो दाम है, उनको सही दाम से नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान है, त्राहि माम है, और आप ऐसे स्थिति में डीजल का दाम बढ़ा करके आज किसान लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पोस्ट ऑफिस चौक स्थित कारगिल युद्ध में शहीद हुए राम भगवान केरकेट्टा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों के लिए मौन धारण कर और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहीदों को सलाम के तहत पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी थाना क्षेत्र में ट्रकों से डीजल और बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवामुंडी थाना पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान थाना क्षेत्र के लाल पुलिया के पास से गुजर रही थी। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी एक वाहन के चालक ने चोर चोर कहकर शोर मचाई। चालक की आवाज सुनकर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस वहां पहुंची। वाहन चालक ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग डरा धमका कर वाहन का बैटरी खोलकर जंगल की ओर भाग रहे हैं। चालक की बात सुनते ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने चोरों का पीछा किया। जंगल की ओर भाग रहे 2 मोटरसाइकिल पर सवार चोरों को बैटरी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में 3 थाना क्षेत्र उड़ीसा के बड़बिल, झारखंड के जटिया और नौमुंडी थाना के लोग शामिल थे। गिरफ्तार होने वालों में सभी आरोपी 20 से 25 वर्ष के थे। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 2 बैटरी, 5 मोटरसाइकिल, 3 खाली गैलन और एक लोहे का रड बरामद किया है। गिरफ्तार होने वालों में दामू हेम्ब्रोम, अनिल चातर, राहुल पूर्ति, डिरसू सिरका, बुधराम चातुम्बा, बुधराम सिरका, राजेश बालमुचू और दामू हेम्ब्रोम शामिल हैं। इसमें ऐसा है कि लगातार इस रोड में नौमुंडी थाना से जो चाईबासा की तरफ रोड जाती है उसमें खड़ी गाड़ियों से डीजल की बैटरी की चोरी हो रही है। इस सूचना पर बीते रात जब हमारी गश्ती पार्टी जा रही थी, इसी दौरान एक ड्राइवर चोर चोर का हल्ला किया। वहां पहुंचने पर पता चला कि इनकी 2 बैटरियां और कुछ तेल कुछ अपराधकर्मी चुरा करके लेकर के गए हैं। भाई दिखाकर इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए
पुलिस पार्टी एवं उन लोगों के साथ इसके भागे हुए अपराधकर्मियों के रास्ते पर रेड किया गया, जहां से दो मोटरसाइकिल, चार अपराधकर्मी बैटरी के साथ पकड़े गए और इनकी निशानदेही पर इनके पांच साथी और पकड़े गए, जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। लूटा हुआ गया जो तेल था वो लगभग 25 लीटर और 3-4 गैलन बरामद हुई है। कोविड-19 को लेकर बस ऑनर्स को हो रही कठिनाइयों को लेकर सिंहभूम बस ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यालय में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में लॉकडाउन के कारण बस का आवागमन नहीं होने के कारण हो रही परेशानी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 6 माह का रोड टैक्स नहीं लेने, डीजल में सब्सिडी देने, बीमा राशि माफ करने, लोकसभा विधानसभा चुनाव और अन्य नक्सली अभियान में अधिग्रहित बसों का किराया भुगतान करने पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया है कि यह सभी मांगे राज्य सरकार से की जाएंगी। यदि राज्य सरकार मांगे नहीं मानती है तो 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित लिपुंगा गांव में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 197 बटालियन के द्वारा ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की गई। ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करने के बाद जवानों के द्वारा ग्रामीणों के बीच खाद्यान्न सामग्री और मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर किरीबुरू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने गुवा पुलिस के साथ ग्रामीणों की समस्या को सुनकर उनके समाधान के लिए नौमुंडी प्रखंड कार्यालय के साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा जताया। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारी के नेतृत्व में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करने का निर्देश दिया गया। जिले के जगन्नाथपुर और नौमुंडी थाना क्षेत्र में सभी नागरिकों से पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशीले मादक द्रव्य और पदार्थों का सेवन नहीं करने की अपील की गई। पुलिस ने बाजार में स्थित दुकानों में सर्च अभियान भी चलाया। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पीएचईडी मोड़ के समीप ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार चिरिया निवासी चुंद्रू हुरद और सुखराम बड़ाइत घायल हो गए। दोनों युवक मनोहरपुर की ओर आ रहे थे। दोनों घायलों का मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया। झारखंड में कुल 96 कुपोषण उपचार केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसमें पश्चिमी सिंहभूम के सदर अस्पताल में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र सबसे अव्वल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आकलन के लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई थी। सभी केंद्रों का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र सबसे अव्वल रहा। मनोहरपुर में संचालित केंद्र को राज्य में चौथा स्थान, जगन्नाथपुर कुपोषण उपचार केंद्र 15वें स्थान पर, जबकि मचगांव और चक्रधरपुर केंद्र 58वें और 65वें नंबर पर आया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने उत्कृष्ट सेवा भाव से काम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम और अन्य चिकित्सकों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने कहा कि इस जिले से कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिला कुपोषण मुक्त बनेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला अधिकतर क्षेत्र सुदूरवर्ती होने के कारण यहां संस्थागत प्रसव में बेहतर कर पाना हमेशा स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ममता वाहन योजना भी चल रही है, परंतु स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों के संवेदनहीन होने के कारण चैंबासा के सदर प्रखंड के लाभुकों को उसका लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सदर प्रखंड में
चालू वित्तीय वर्ष में ममता वाहन चालकों के साथ इकरारनामा नहीं किए जाने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल तक ले जाने के लिए ममता वाहन नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संकट काल में पूर्व से ममता वाहन संचालित करने वाले वाहन मालिकों को भी बेरोजगार हो जाना पड़ा है। वाहन मालिक ने बताया कि सदर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के द्वारा इकरारनामा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से अप्रैल से लेकर अब तक ममता वाहन का संचालन नहीं हो पा रहा है। इकरारनामा के लिए कागजात भी जमा करवाए गए हैं, परंतु अब तक इकरारनामा नहीं हुआ है। सर, ऐसा है, हम लोग जनवरी में स्वास्थ्य विभाग जो हम लोग का जो पीएससी है वहाँ हम लोग पेपर दिए थे एग्रीमेंट के लिए। एग्रीमेंट ख़त्म हो गई थी, हम लोग एग्रीमेंट के लिए दिया गया था। जनवरी में हम लोग पेपर जमा किए, हम लोग फरवरी में पेपर को वापस कर दिया गया, बोले कि एग्रीमेंट नहीं होगा। हम लोग कारण पूछे तो कारण कुछ नहीं बताया गया, बोले एग्रीमेंट नहीं होगा अभी, और उसके आगे चार महीने तक का ही मैंने अभी तो जब तक उसके बाद तो लॉकडाउन चले आया, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अभी उसके अभाव से एक नरसंडा में बच्चा मैंने गाड़ी नहीं मिलने के अभाव से मैंने नरसंडा में एक डिलीवरी पेशेंट मैंने घर में डिलीवरी हो गया गाड़ी नहीं मिलने की वजह से, जिसपे हमको सैया दीदी और प्लस वहाँ के जो एनएम दीदी थी उनके द्वारा हमको पता चला, तो हम दौड़ के फिर अपने गाड़ी लेके पहुँचे, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। ऐसा भी नहीं है कि ऐसी स्थिति पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। सदर प्रखंड को छोड़कर अन्य सभी प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा वाहन चालकों के साथ इकरारनामा कर लिया गया है, जिससे वहां ममता वाहन का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। अनुमंडल अस्पताल में ममता वाहन रेगुलर सुचारू रूप से चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है। क्या जी हाँ, एग्रीमेंट हमारा हो गया है, अब हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ, एक साल का होता है, जब हो जाएगा तो रिन्यूअल के लिए दे दिया जाएगा। कोरोना संकट काल में ममता वाहन नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने में गरीब परिवारों को काफी खर्च करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गृह प्रसव में भी बढ़ोतरी हो रही है। अभी तो सर हम लोग को जब गाड़ी नहीं मिल रही है तो हम लोग प्राइवेट गाड़ी से लाते हैं, और इधर मैंने बाहर से बुलाते हैं गाड़ी, यदि बाहर का गाड़ी आती है तो 1500 से 2000 रुपये तक लोग भाड़ा ले लेता है ये प्राइवेट गाड़ी, क्योंकि हम लोग गाड़ी तो नहीं चल पा रहे, क्योंकि हमारा गाड़ी तो अभी ममता बांध में तो नहीं चल रही है, रुक गई है, तो हम अपना गाड़ी तो नहीं चलाते हैं, तो वो लोग अपने से बुलाता है प्राइवेट गाड़ी, अपने से बुला करके फिर हम लोग उस गाड़ी से ले आते हैं। लेकिन ये भाई सर, क्योंकि अभी वो लोग पैसा भी नहीं है, टाइम पर गाड़ी नहीं पहुँचती है, जिधर डिलीवरी के लिए कभी कभी माँ बच्चा जच्चा बच्चा भी दिक्कत हो जाता है, टाइम पर पहुँचते पहुँचते रास्ता में डिलीवरी हो जाती है, तो माँ बच्चे पर भी खतरा महसूस हो जाता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है।